Yes, students. Hello, students. In this video, I am going to tell you about some uses of article A and F. जैसा कि मैंने आपसे अभी अपनी जूम मीटिंग में भी डिस्कस किया था, तो ये देखिए यूज़ नंबर वन, आर्टिकल ए और एन को यूज़ करने के कुछ ग्रामर में रूल्स हैं, वो क्या हैं। द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो आर्टिकल ए होता है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स जहाँ पर हमें नंबर केवल एक के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि ए का मीनिंग ही क्या होता है, एक। साथ ही डेट शुड बी काउंटेबल नाउंस, काउंटेबल नाउंस मीन्स डेट कैन बी काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम नंबर्स में गिन सकते हैं, केवल उन्हीं के आगे हम ए का यूज़ करते हैं। एंड विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, और जो वर्ड है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। कॉन्सोनेंट, हिंदी में हम कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन, तो जिस वर्ड में हमारी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है उसी वर्ड के आगे हम ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही इज़ अ टीचर, टीचर, टीचर इज़ अ काउंटेबल नाउन, हम इसको टीचर को गिन सकते हैं, हमारे कॉलेज में कितने टीचर्स हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो टीचर इज़ अ काउंटेबल नाउन। एंड टीचर इज़ प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, टी वर्ड इज़ प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड टॉ, सो वी विल यूज़ हियर ए। शी डजंट ओन ए कार, कार, कार इज़ ऑल्सो ए काउंटेबल नाउन, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्स, एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, सो वी विल यूज़ हियर ए। एंड कार इज़ प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड क, कार। आई सॉ अ बियर एट द जू, बियर, बियर इज़ प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड ब, एंड बियर इज़ ऑल्सो काउंटेबल, सो वी विल यूज़ हियर ए। आई सॉ ए बियर एट द जू। Used to, the article N is used before singular countable nouns which begin with vowel sounds. केवल एक चेंज हुआ है N में, कि we will use N with vowel sounds. Countable nouns भी वही है, singular भी वही है, केवल हम इसमें vowel sound को हम ध्यान रखेंगे। Vowel sound यानी कि जिसमें हमारी vowel की sound create होती है। Vowel sound कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो आप हिंदी में स्वर पढ़ते हैं, ए आ ई ई उ उ ए आई ओ औ, कहीं कहीं पर आज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ई है या यू है, वो कहीं कहीं पर एक अलग साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको, अगर मैं आपसे बात करूँ यूनिटी, उसमें जो यू यू है वो य की साउंड निकाल रहा है, वहाँ पर हमारी वॉवल साउंड क्रिएट नहीं हो रही है। तो हमें ध्यान करना है कि हमारी वॉवल साउंड क्रिएट होनी चाहिए। जैसे ही इज़ एन एक्टर, एक्टर, ए, यहाँ पर हमारी साउंड क्रिएट हो रही है, वॉवल साउंड क्रिएट हो रही है ए, तो वी विल यूज़ हेयर एन। शी डिड नॉट गेट एन इन्विटेशन, एन, इन्विटेशन, ई, दिस वर्ड इज़ गिविंग वॉवल साउंड ई, सो वी विल यूज़ हेयर एन। आई सो एन ईगल एट द जू, ईगल, दिस वर्ड ईगल इज़ प्रोड्यूसिंग वॉवल साउंड ई, सो वी विल यूज़ हेयर एन। क्लियर? यूज थ्री, रिमेंबर डैट ए एन मीन्स वन और अ सिंगल, यू कैन नॉट यूज़ ए एन विथ प्लूरल नाउंस। अभी जैसे हमने यूज़ वन और यूज़ टू में बात करी कि ए और एन, वी विल यूज़ ए और एन विद सिंगल काउंटेबल नाउन, सो We will not use A or N with plural nouns. जहाँ पे भी आप words को देखते हैं, कोई भी noun देखते हैं, यदि वो plural है तो वहाँ पर आप A और N का use नहीं करेंगे, because A और N का meaning क्या होता है, एक, तो जब आप, आपका noun अगर plural में है तो वहाँ पर एक का लगाने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए examples, I saw a bears in Yellowstone National Park. Bears, bears में s या s लगा है, it means bears is here in this sentence, bears is plural noun. Plural noun है ये, इसलिए हम यहाँ पर a या n का use नहीं करेंगे, this is incorrect sentence. The correct sentence is I saw bears in Yellowstone National Park.
मैंने भालुओं को देखा, मैंने एक भालुओं को देखा, यस तो नहीं होता, मैंने भालुओं को देखा, यानी वी आर यूजिंग हेयर, वी आर प्लूरल नाउन ऑफ बियर। हम एक बियर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बहुत सारे बियर्स की बात कर रहे हैं। सो वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल ए और एन विद द प्लूरल नाउन। यूज़ फॉर, इफ देयर इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन बिफोर द नाउन, ए और एन शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और द एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन। देखिए, कई बार हमारे नाउन के आगे एडजेक्टिव भी लग जाता है। नाउन तो आपको पता होगा, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ नाउन भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। नाउन क्या होता है? जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, उसको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे आपके सामने ये रखा हुआ ये फ़ोन है, तो ये मेरे सामने रखा ये फ़ोन है, मैं इसे फ़ोन कहूँगी। मेरे सामने एक टेबल है तो मैं इसको टेबल कहूँगी। जिस पर मैं बैठी हूँ वो चेयर है। यहाँ पर मुझे, मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, मुझे फ़ैन दिखाई दे रहा है, मुझे बुक्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास हैं, मेरे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। उस चीज़ को इसी नाम से मैं भी जानती हूँ, और उसी चीज़ को उस नाम से ही आप भी जानते हो, तो वो एक कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन, जहाँ पर नाउन हमारी आती है, कई बार हम नाउन के आगे हमारा एडजेक्टिव भी लग जाता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने बुक है या टेबल है, तो ये टेबल किस चीज़ की बनी हो सकती है? वुड की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। यदि मैं टेबल के आगे लगा दूँ अ वुड टेबल, तो ये टेबल की एडजेक्टिव है, टेबल को शो कर रहा है कि टेबल किस चीज़ की है, वुड, लकड़ी की टेबल है, तो ये एडजेक्टिव हो गई, विशेषता। या मेरे सामने बोर्ड है, मैं कहूँ ब्लैक बोर्ड, तो वो बोर्ड ब्लैक है, यानी उसका कलर क्या है? ब्लैक, तो ये ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। मेरे सामने पेन है, ब्लू पेन, तो ब्लू क्या है? वो एडजेक्टिव है, और ब्लैक, ब्लैक भी एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी नाउन को एग्जेक्टिव लगा देते हैं, यानी वो एग्जेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है कि पेन, पेन कैसा है, ब्लैक है या ब्लू है, तो हमने उसके लिए वर्ड लगा दिया ब्लैक और ब्लू, तो ये हमारा एग्जेक्टिव होता है। और एडवर्ब और एग्जेक्टिव, एडवर्ब होता है हमारा जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल देखिए आप, ए एन शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एग्जेक्टिव और द एडवर्ब एग्जेक्टिव कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन एक्सीलेंट टीचर। एक्सीलेंट, अब ये एक्सीलेंट क्या है? वो टीचर की एग्जेक्टिव है, टीचर की क्वालिटी है, और क्वालिटी को शो करने वाला जो वर्ड होता है वो होता है एग्जेक्टिव। तो टीचर की क्वालिटी यहाँ शो हो रही है एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट एग्जेक्टिव है, तो हम एग्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमें एक यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम ए और एन को ही यूज़ करेंगे, और हम उसमें देखेंगे कि एडजेक्टिव का जो फर्स्ट वर्ड है वो कौन से साउंड क्रिएट कर रहा है। जैसे एक्सीलेंट में ए, एक्सीलेंट, ए साउंड प्रोड्यूस हो रही है ई से, इट मीन्स एक्सीलेंट इज़ प्रोड्यूसिंग वोवेल साउंड, सो वी विल यूज़ हियर एन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ रियली ब्यूटिफुल ईगल एट द जू। रियली, रियली इज़ एडवर्ब, और यहाँ पर रियली को इंडिकेट करते हुए, रियली को देखते हुए हम यहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। रियली में आर, र से हमारी कौन, आर से हमारी कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, र। तो सो वी विल यूज़ हियर अ, आई सॉ अ रियली ब्यूटिफुल ईगल एट द जू। हाँ जी, अब एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? वर्ब, वर्ब हमारी क्या होती हैं? वर्ब होती हैं जो भी हम डेली यूज़ में काम करते हैं, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना फिरना, ये सब हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होती हैं। जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो हमारी वर्ब होती है, और उस वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा एडवर्ब होता है, यानी वो वर्ब कैसा हुआ। जैसे आई वॉक ऑन द रोड, मैं रोड पर चलता हूँ, चलता हूँ वॉक इज़ अ वर्ब। और यदि मैं इसमें कर दूँ आई वॉक ऑन द रोड स्लोली, मैं रोड पर चलता हूँ स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली धीरे से चलता हूँ, तो वहाँ पर कैसे चलता हूँ, यानी वर्ब को एक वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वो है स्लोली, कैसे चलता हूँ, धीरे।
फास्ट भी हो सकता है, आई वॉक ऑन द रोड फास्ट. तो वहाँ पर जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो हमारा एडवर्ब होता है, और नाउन से पहले हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये कॉम्बिनेशन जहाँ हमारे बन जाते हैं वहाँ पर हम, यानी पहले एडवर्ब का यूज़ हो रहा है और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, एग्जांपल में, आई सॉ अ रियली ब्यूटिफुल ईगल एट द जू. ब्यूटिफुल इज़ एन एडजेक्टिव और रियली क्या है हमारा, वो एडवर्ब है, यानी वो हमारे वर्ब को शो कर रहा है कि मैंने देखा. क्या देखा, कैसे देखा, रियली वास्तव में मैंने एक, सच में मैंने एक, कैसा देखा, सच में मैंने एक ब्यूटीफुल ईगल को देखा. तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है एडजेक्टिव और एडवर्ब का. सो हम यहाँ पर अपने एडवर्ब को देखते हुए, उसकी साउंड को पहचानते हुए कि वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.